हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डाटा सफिशियंसी है उसको डिटेल में टाइप वाइज। तो उसमें पहली टाइप जो हमने डिस्कस की थी वो थी कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखो बनते कैसे हैं, समझ आ जाएगा सब कुछ। व्हाट डज टा मीन्स इन ए कोड लैंग्वेज, मतलब ये जो डेसिफरिंग लैंग्वेज है उसमें जो टा वर्ड है, टा ऐसे कुछ दे दिया, उसका क्या मतलब है। तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन ये वन और टू, इनसे निकालना है इसका क्या मतलब रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है जो कि पा टा जा मीन्स होता है ओवर एंड अबव। इसमें जब कोडिंग डिकोडिंग में हमने डिस्कस किया था तो इसका मतलब ये रहता है कि जो ये पा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर है। टा का मतलब एंड और जा का मतलब है, ये किसी का मतलब कोई सा भी हो सकता है, वो हमें निकालना रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा पा टा जा मीन्स ओवर एंड अबव। दूसरे में कह रहा हो का पा मीन्स कम ओवर हेयर। अब देखना क्या रहता है, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। देखो यहाँ भी पा है, यहाँ भी पा है, अगर इसको देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ओवर। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमने पा के लिए क्या यूज किया गया है, ओवर। अब इसमें पूछा किसके बारे में, टा के बारे में। अगर हमें ये पता जाए, ये पता चल जाए कि जा जो वर्ड है वो उसके लिए एंड यूज किया है या अबव यूज किया है, तो हम भी बता दें टा के लिए क्या है। ठीक है, और ना ही एंड और अबव इन दोनों में से कहीं है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, बहुत आसान है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं इसमें दोनों में कॉमन क्या, पा है, और पा से हमें मिला ओवर। इसके अलावा हमें दोनों में दी हुई जानकारी से ये पता नहीं चल पा रहा है कि टा के लिए क्या यूज करें हम। आई समझ, टा के लिए या तो एंड है या अबव है। अब ये आइदर हमें अपने आप से नहीं लगाना, आइदर और या तो एंड हो सकता है या अबव हो सकता है, ये नहीं लगाना है। तो क्या समझ में आया कि ना तो पहली और ना ही दूसरी स्टेटमेंट इस आंसर को देने के लिए क्या है, सफिशियंट है। तो जो मैंने डी पे बताया था ऑप्शन डी, ठीक है, कि नाइदर वन और नॉट टू आर सफिशियंट है ना, तो आप इसमें डी पे टिक लगाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में बात, कि दोनों के दोनों ही हमारी क्या है, ये दोनों के दोनों ही क्या नॉट सेटिस्फाई है। ठीक है, इससे कोई हमें कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है कि टा इसका क्या मतलब बना पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश ग्रास, आप समझे ना। देखो फ्रेश जो ग्रास है उसका कलर रहता है ग्रीन, लेकिन अब यहां से पता करेंगे क्या कह रहा है वो। वो कह रहा है ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, आप क्या करोगे ब्लू, ये लिख दिया ब्लू, ब्लू के लिए क्या यूज किया गया है, ग्रीन। दूसरे में कह रहा है रेड, रेड इज कॉल्ड ऑरेंज, रेड के लिए क्या बनाए वो, ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए क्या कह रहा है वो, येलो। अगर देखा जाए तो ग्रीन के लिए क्या कहा गया, इसमें कुछ नहीं, ग्रीन ब्लू को जरूर बोला गया है लेकिन ग्रीन के लिए कोई कलर यूज नहीं किया पहली वाली हमारी किससे, स्टेटमेंट से। अब आप सेकंड चेक करेंगे, ये कह रहा है येलो इज कॉल्ड वाइट, जो हमारी येलो है उसके लिए क्या यूज किया गया है, वाइट। ठीक है, आगे देखेंगे वाइट इज कॉल्ड ब्लैक, वाइट को क्या बोला गया है, ब्लैक। ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन, यहां बोला गया ग्रीन, ग्रीन क्या बोला गया उसके लिए, ब्राउन। ब्राउन इज कॉल्ड पर्पल, ठीक है, इसमें लिखा है ब्राउन इज कॉल्ड पर्पल। हमें ये पता है, देखो ये हमारी खुद की नॉलेज काम आती है कि जो हमारी ग्रास है, घास है, वो क्या हरी होती है, ग्रीन होती है। तो इसमें जो ग्रीन के लिए क्या कोड यूज किया गया है, ग्रीन के लिए बोल रहा है वो ब्राउन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन, यहाँ बोला ना ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन। तो मतलब जो हमारी फ्रेश ग्रास है उसका कलर क्या बोला गया है, ब्राउन। और ये आंसर हमें कौन सी स्टेटमेंट से मिला है, सेकंड से। ये आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड से, ना तो इसमें मिला, ठीक है, ना दोनों को मिलाने के बाद मिला है, सिर्फ सेकंड्स। आपकी जो ऑप्शन ए बी सी डी ई उसमें से बी पे टिक लगाएंगे, केवल ऑप्शन बी इज अ सफिशियंट, ठीक है, केवल बी से ही इसका आंसर दिया जा सकता है, आए समझ। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप, ये कह रहा है ब्लड रिलेशन में जो डाटा सफिशियंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो, उसकी नेक्स्ट टाइप है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन।
करा हाउ डी इज रिलेटेड टू, मतलब जो डी है वो ए से कैसे रिलेटेड है ये हमें पता करना है। ये पहली जो हमारी स्टेटमेंट वो कह रही है बी इज द ब्रदर ऑफ ए, जो ए है उसका ब्रदर कौन है, यहाँ बी बना दिया। सेकंड स्टेटमेंट, इससे ए और बी में रिलेशन तो पता चल गया, क्या डी का मिला, नहीं मिला इससे अभी। सेकंड वाली ये कह रहा है बी इज डी सन, जो बी है वो डी का सन है, यहाँ से ये बन गया हमारा। क्या इससे हमें डी और ए के बीच में रिलेशन मिला, नहीं मिला। अब इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं एक साथ। दोनों को मर्ज करने का मतलब हमें पता है कि जो बी है उनके पिता डी हैं, तो जो बी है उनके पिता डी हैं। अब ये पिता है या माता है ये भी कन्फर्म नहीं है, बस इतना कन्फर्म है कि ये डी का बेटा है। ना तो इसका जेंडर क्लियर है ना इसका जेंडर क्लियर है, प्लस या माइनस है। तो हमें देखने में क्या पता चला है कि जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है ना वो हमारे आंसर को देने में असमर्थ है, समझ गए ना बात को। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ काम आ जाएगा कि नाइदर वन और नॉर टू, या हम कह सकते हैं कि यह टुगेदर दोनों भी इसको आंसर देने में समर्थ नहीं है, ठीक है, असमर्थ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये कह रहा हाउ इज एफ रिलेटेड टू पी, ये कह रहा है जो पी से एफ का क्या रिश्ता वो निकालते हैं। पी हैज टू सिस्टर्स एम एंड एम, पी की दो बहनें हैं, एक का नाम एम है और एक का नाम एन है। अब ये दोनों बहनें हैं तो हमने इस पे नेगेटिव मार्क कर दिया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इससे तो कोई रिलेशन नहीं निकला ना पी और एफ के बीच में। अब नेक्स्ट निकले, ध्यान से पढ़ने के लिए, एफ्स मदर इज सिस्टर ऑफ एम्स फादर, यहाँ जो एम है उनके कोई फादर है, फादर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एफ्स मदर, जो एफ है उसकी मम्मी इसकी सिस्टर है, यहाँ एफ है, ठीक है, उसकी कोई मम्मी है, नेगेटिव हो जाएगा। और ये दोनों आपस में कौन है, बहन भाई हैं, ठीक है। ये कह रहा है एफ्स मदर इज सिस्टर ऑफ एम्स फादर, एफ्स मदर इज सिस्टर ऑफ एम्स फादर। तो अगर इनमें देखा जाए तो दोनों में क्या रिलेशन है, ये कज़न है आपस में, ठीक है, आपस में कज़न है। तो एफ और पी के बीच में तो अभी भी इससे भी नहीं निकला कोई रिलेशन। आप क्या करोगे, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे हम। देखना, जो एम है, एम के पापा कौन है, ये एम के पापा कौन हो जाएंगे, ये कोई है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कोई एफ है, एफ की कोई मम्मी है, और उनके बीच में रिलेशन जरूर है कि वो दोनों बहन भाई हैं। अब एफ इज रिलेटेड टू पी, ये तीनों तो बहन भाई हो गए इनका, तो ये पिता, मतलब ये एक पिता के तीनों हो गए, और ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, मतलब इन तीनों की, ये भुआ की बेटी, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, कज़न। क्या रिलेशन आ जाएगा, कज़न, ब्रदर या सिस्टर। तो ब्रदर सिस्टर दोनों के लिए क्या लगा देते हैं हम, कज़न रिलेशन लगा देते हैं, आए समझ। तो हाउ इज रिलेटेड टू एफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू पी, आपका आंसर हो जाएगा कज़न। और ऑप्शन कज़न नहीं देना, ऑप्शन ए बी सी डी में से देना है, ए बी सी डी और ई। तो दोनों को मिलाकर जब ऑप्शन बनता है तो आप किस पे लगाएंगे, ई पर। क्लियर, आए समझ। नेक्स्ट देखिए,